23 फरवरी 2020 राजधानी दिल्ली का एक इलाका और वहां उठती आग की लपटें, इसकी वजह थी सांप्रदायिक हिंसा। 3 साल गुजर गए, खुलेआम हिंसा भड़काने वाले आजाद हैं और विडंबना यह है कि जिनके साथ हिंसा हुई वही अलग अलग मामलों में सलाखों के पीछे हैं। इसमें सबसे गंभीर केस है UAPA का। ध्यान देने वाली FIR है 59/2020। इसमें कुल 18 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें से 9 को कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि अन्य 9 लोग आज भी UAPA के तहत जेल में बंद हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और अभी ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। सजा काट रहे लोगों में से अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र हैं। मेरे बेटे ने प्रोटेस्ट में कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो लोकतंत्र के खिलाफ हो या संविधान के खिलाफ हो या किसी सरकार के खिलाफ हो या देश के खिलाफ हो। वो जो भी बोलता था वो सिर्फ CNRC के मुद्दे पर ही बोलता था। चांदबाग 27 वर्षीय अथर को पुलिस ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया, बाद में दंगे का साजिश करता बताकर जेल में डाल दिया। अथर को सबसे पहले अरेस्ट किया था 60/20 में। अथर के साथ उल्टा हुआ है, बाकी सब लोगों को पहले 59 में अरेस्ट किया, उसके बाद उन पे दूसरे केसेस लगाए, लेकिन अथर को पहले 60 में अरेस्ट किया था और उसके बाद उसको 136 में अरेस्ट किया, उसके बाद उसको 59 में डाल दिया है। और जो केस के स्टेटस है उसके अंदर 2 के अंदर 60/20 में और 136/20 में उसकी बेल हो चुकी है। ये दोनों FIR कहाँ पर हुए? चांदबाग की। एक तो उसमें 60/20 में जो कांस्टेबल रतन लाल थे उनकी डेथ हुई थी, वो लोग मर्डर कहते हैं लेकिन मैं उसको डेथ कहता हूँ, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन की सरकार का दबाव नहीं होगा तो क्लियर होगा कि गोली कहाँ से चली थी, और जैसे कि उम्मीद है कि गोली पीछे से चली थी, सामने से नहीं चली थी, तो मैं उसको डेथ कहता हूँ और मर्डर उनकी तरफ से हो। और दूसरा लास्ट एक था 136/20 जो यहाँ पे शोरूम था वो जलाया गया था, जबकि अथर यहाँ था भी नहीं, तो लेकिन वो फर्जी केस था तो उसमें ही बेल हो गई। अभी 59 है, 59 केस के अंदर सेशन से जो है बेल रिजेक्ट हो गई है। और जैसे बहुत सारे जो इनके साथी हैं अथर के, जिनकी जब बेल पे बात होती है तो वो उसको बहुत अलग तरह से डिस्क्राइब किया कि उन्होंने ऐसा किया और उन्हें वो यहाँ थे, उनकी कॉल डिटेल्स ये थी। और जब अथर के मामले में बात हुई तो डेट्स तो 6-7 ली उन्होंने, लेकिन 6-7 डेट्स के अंदर कभी बात नहीं हुई, कभी वकील नहीं आते थे, कभी कोई नहीं आता था, कभी जज साहब नहीं बैठते थे। और जिस दिन ये सब आमने सामने बात हुई तो सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने ये बता दिया सरकारी वकील ने कि UAPA जैसा केस, एक 24 साल के बच्चे जब वो अरेस्ट होते 24 साल की उसकी उम्र थी, 24 साल के बच्चे के ऊपर अरेस्ट UAPA कैसा लगता है, उसी 5 मिनट में उसको डिस्क्राइब कर दिया। और अजीब सी बात है, 24 साल का बच्चा जो अपने माँ बाप को थी अपने बाप को आइडियल मानता है और उस उम्र तक कभी बाप से बगैर पूछे कुछ काम नहीं करता, तो उसको उन्होंने आतंकवादी बता दिया। बहुत अजीब सा केस है ये। 3 साल बहुत मुश्किल से, मतलब रोज़ ही इंतज़ार में गुजरते हैं कि बार बार यही होता है कि अब 2 महीने में 3 महीने में कुछ हो जाएगा, बार बार हमें तारीख मिल जाती है आगे की। अभी ज़मानत पर कोई सेशन में तो मतलब रिजेक्ट हो गई है, हाई कोर्ट में लगाई है, और उसका मोबाइल मतलब जेल से 5 मिनट के लिए डेली कॉल हुआ करती थी, पिछले 2-2.5 साल से ऐसा ही हो रहा था, लेकिन नवंबर में उसकी कॉल बंद कर दी गई। 3 महीने हो गए उसकी कॉल बंद हुए, तो अब 30 जनवरी को दोबारा कॉल स्टार्ट हुई है उसकी। हफ्ते में 3 दिन वो हमसे बात कर सकता है 5 मिनट के लिए। 3 महीने बाद अब परमिशन मिली है। हर वक्त ख्यालों में रहता है, उसके चीज़ों को संभाल संभाल के रखती रहती हूँ, उसके आने के इंतज़ार बहुत शिद्दत से है, उसकी पसंद नापसंद सोचती हूँ। जब वो आएगा तो उसके लिए ये चीज़ बनाऊँगी, क्योंकि 3 साल में उसने पता नहीं क्या खाया क्या पहन, सब उसके बस आने का इंतज़ार है मुझे बहुत शिद्दत। सीलमपुर बेकसूर बेटी को गुनहगार बताकर जेल में डाले जाने के बाद गुलफिशा के पिता सैयद तनीफ हुसैन खुद को मानसिक रूप से अस्थिर महसूस करते हैं।
ऐसा हो गया कि जैसे पहले मैं एक मंजिल पे से गिर गया था, अब तीन मंजिल पे से गिर गया। पहले भी मैं डिप्रेशन में था, शुगर में था, अब और उससे ज़्यादा गिर गया। अब भी जो है दवाई रखी हुई है, दवाई खाता हूँ रात को, और शुगर की भी दवाई है, और अभी जो फिर कभी कभी मुझे दिमाग जो है मेरा काम करना एकदम बंद कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जल्दी, अभी मैं गया था, नेटवर्क गया था, 30 साल हो गए जाते जाते, ऐसे में फिर रास्ता भूल गया, एक गली छोड़ के दूसरा ले गली में, फिर वहाँ जाके रास्ता भूल गया, फिर यहाँ मैंने कहा फिर तू गया आ गया, फिर दूसरी गली में घूमा। 30 साल शादियों को हो गए, अब तो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। और ऐसे भी होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा खासा बात कर रहा हूँ, लेकिन अचानक मुझे ऐसे महसूस होगा जैसे यहाँ से कौन सी चीज़, बस दिल में घबराहट सी और सर में ऐसा मालूम देता है कि जैसे दिमाग मेरा जाम हो गया, चक्कर सा आते हैं, और मैं खड़ा हूँ या बैठा हूँ मैं गिर के बेहोश हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ। अब ये पोजिशन मेरी है, हम किससे क्या बात करेंगे। कभी कभी तो मुझे ऐसा मालूम देता है कि पता नहीं मैं मिल भी पाऊँगा ना मिल पाऊँगा, ऐसा तो नहीं कि पहले इंसान से पहले मैं खुद चला जाऊँ, ऐसा मुझे फील होता है। जैसे नताशा के बाप चला गया, कभी कभी ऐसा महसूस होता है। बिजनौर, उत्तर प्रदेश। शादाब के पिता शमशाद अहमद अपने बेटे की गैर मौजूदगी में ठेले पर बिस्किट बेचते हैं। भाई वो इसलिए बोलता था CNRC ये क्यों लगाई जा रही, भाई जब एक सिख को यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है, एक हिंदू को यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है, एक क्रिश्चियन को यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है, और मुस्लिम को क्यों नहीं यहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है। भाई जब हमारे संविधान के अंदर प्रोविज़न है ये कि जो भी है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, तो ये क्यों अलग बनाया जा रहा है। भाई संविधान को तोड़ करके, संविधान को ख़त्म करके इसको कानून बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट था, और उसमें शादाब मेरा जो है प्रोटेस्ट में शामिल होता था। अब होते होते वहाँ ये हुआ कि वहाँ पे झगड़ा हुआ, तो उसके बाद वो बेटा मेरे को बुलाया, कहीं बाहर बुलाया उन्होंने, वो गया, जब बुलाया उन्होंने जब ही गया, पुलिस वालों ने उन्हें जब बुलाया जब भी गया, बुलाया मालूम करा छोड़ दिया, 4-5 बार उन्होंने छोड़ दिया, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद बुलाया उन्होंने छोड़ दिया। लास्ट में उन्होंने इससे पहले शायद महीना मार्च का दिक्कत अप्रैल में उन्होंने लास्ट में उन्होंने रोक लिया, और रोकने के बाद उस पर जब तमाम धाराएँ लगा दी, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने, उन्होंने तो सिर्फ CNRC के उसमें ही बोला, कोई सबूत हो तो दिखाए, वो बताए कोई सबूत, ऐसा फ़ोन के जरिए हो, किसी और जरिए हो, उनके पास कोई कैमरे के जरिए हो, उनके पास कोई रिपोर्ट को दिखाए, वो कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलती। मेरे जो जानकारी में है, मैंने जो है कोई रिपोर्ट नहीं मिलती उसकी। मेरा एक रिक्शा है बैटरी वाला, उसी से माल लाता हूँ, उसी से बेचता हूँ, और मैं बिस्किट बेचता हूँ।
तो यही मिलते, बस क्या कर, मजबूर है क्या कर सके हैं, अपने बैठे याद कर रहे हैं, अपने दिल में याद रखे हैं, क्या कर अल्लाह दुआ कर रहे हैं, बस अल्लाह ही मालिक है उसको, अल्लाह अल्लाह से कोशिश कर रहे हैं, अपनी नमाज पढ़े हैं, दुआ मांगे हैं उसके लिए, और क्या कर सके हैं, कुछ कर नहीं सकते हम, बस अल्लाह ही करेंगे जो कुछ करेंगे उसका फैसला। यमुना विहार। दिल्ली दंगे की साजिश में लंबे समय से बंद सलीम खान का परिवार 3 साल बाद भी संभल नहीं सका है। सलीम की नौजवान बेटी साइमा खान का कहना है कि वो उस समय डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर रही थीं। अब इस पूरी घटना ने साइमा और उसके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। 6-7 बार बुलाया उनको, और हमारा यमुना विहार में जो घर है वो उस टाइम पर बन रहा था, और हम लोग यमुना विहार में ही यहीं पास में ही रहते थे। तो जब लास्ट मुझे ये याद है कि मेरे डैड को बुलाया, मैं नहीं थी यहाँ पे, और बुला के उन्होंने एक दिन तो वहीं रखा, चाणक्यपुरी लोधी कॉलोनी वहीं रखा। आए रात भर रुक के आए, फिर उसके बाद दोबारा बुलाया, और फिर उसके बाद उन्हें भेजा नहीं। उसके बाद हमें नोटिस मिला हमारे ही घर ऑफिस पे। कब की बात है, कितने तारीख? ये सर लगभग 7-8 फरवरी की होगी, मतलब पूरा फेब ले गया, पूरा इन्वेस्टिगेशन फेब में चला, और जिस दिन उनकी अरेस्टिंग हुई, जिस दिन वो नहीं आए, जिस दिन यू नो पोस्टर लग गया वहाँ पे, वो 11 मार्च थी जिस दिन मेरे डैड की अरेस्टिंग हुई। उसी के बाद लॉकडाउन लग गया एकदम। शुरू के 3 महीने जो थे सर वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, मतलब हमारे घर में कभी ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ, पुलिस की कभी जिक्र तक नहीं हुआ, पुलिस आई नहीं कभी घर पे। उसके बाद पुलिस का आना जाना और ये सब बातें होना, जब 3 महीने हो गए डैड का कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ पे है, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज डैड की तरफ से। काफ़ी लोगों ने ट्राई करा, मेरे बड़े पापा हैं, उन्होंने भी पापा के भाई हैं, उन्होंने काफ़ी ट्राई करा कांटेक्ट करने की, समझने की, केस को समझने की भी उन्होंने काफ़ी कोशिश करी। उस टाइम पे हमारे एडवोकेट प्राचा जी थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी उस टाइम पे, और उन्हीं के थ्रू हमें ये पता चला कि मतलब डैड की अरेस्टिंग 60 FIR में कर दी गई है। और 60 मतलब FIR नंबर जी, FIR 60 जिसमें रतन लाल जी की डेथ का जिक्र हुआ है, और उसी में मेरे डैड को उन्होंने अरेस्ट किया था। 60 के बाद उन पे 136 लगाई गई, एंड देन उन पे 59 लगाई गई। 3 महीने बाद 159 लग चुकी थी जब हमें पहली बार पापा मिले थे, और पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि आपके फादर को हम लेके आ रहे हैं, 59 के तहत उन पे चार्ज लगाया, FIR लगाई गई है जिसमें UAP है। फिर मेरी मम्मी मिली मेरे डैड से जब हमने उन्हें पहली बार देखा था, उसके बाद हम लोगों के ऊपर उस टाइम तक 3 महीने तक फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी हुआ, इतना हुआ कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी आगे की, मेरी स्टडीज थी, क्या कर रही थी? मैं BDS कर रही थी, मुझे MDS के लिए करना था, मैंने अपना MDS छोड़ा जी। मेरी 48 साल की जिंदगी शीर्षक के साथ सलीम ने न्यायपालिका और मीडिया को संबोधित एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की यात्रा का वर्णन किया है। तो मेरे डैड हैं, ये सब चीज़ें वो लिखते हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लिखी है इसमें, उसमें क्या हुआ उनके साथ उस दिन, कैसे जेल में वो रहे, कैसे वो रहते हैं वहाँ पे, क्या क्या उनके सैक्रिफाइसेस हैं। मेरे डैड का ये लेटर है जो उन्होंने ऑनरेबल जज को लिखा था, चीफ जस्टिस को लिखा था, अपनी रिहाई के लिए, अपनी जमानत के लिए, कि हमारे लिए भी कोई मतलब थोड़ा बहुत जल्दी करें, जितना जल्दी हो सकता है आप सुनवाई करें। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापकों में से एक खालिद सैफी 26 फरवरी 2020 से राजधानी की मंडावली जेल में बंद हैं। इन पर भी दंगे की साजिश में शामिल होने का आरोप है। तो 26 तारीख का दिन था, खालिद 25 और 26 की रात के बीच में काफ़ी ज़्यादा वो एम्बुलेंस वगैरह का वो करवा रहे थे ताकि जहाँ पे दंगे हुए हैं
मुजफ्फराबाद वगैरह में, तो वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाए, दवाइयाँ पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ से कॉल्स आ रहे थे हॉस्पिटल से। मुझे उस टाइम पे ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, पर पूरी रात वो परेशान रहे थे इन सब चीज़ों को लेके। पर उस रात, उस दिन जब वो यहाँ से उतर के गए, तो मुझे लोगों ने बोला कि खालिद भाई को पुलिस ले गई है। तो फर्स्ट तो मुझे यही लगा था कि शायद डिटेन करा है, पर मैंने जैसे उनको कॉल मिलाया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कई बार उनको अलग अलग जगह से, जैसे कोई प्रोटेस्ट पे गए हैं, वहाँ से किसी ने डिटेन कर लिया, तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता। तो मैं बहुत डर गई थी उस चीज़ को सोच के। इतने में एक अननोन नंबर से कॉल आया, तो मैंने वो कॉल, मेरे बिल्कुल एकदम फ़ोन ऐसे रखा हुआ था, एक बेल बजती मैंने उठा लिया, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि मैं खालिद बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा आप हो कहाँ और किसका नंबर है, आप सुबह से कहाँ हो, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? डायबिटीज़ पेशेंट है, डायबिटीज़ हमेशा हाई रहता है उनका, तो सुबह नाश्ता करके ही बस घर से गए थे। तो उन्होंने बस करहा रहे थे, बहुत बुरी तरीके से करहा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ नहीं निकल रही बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ एकदम, तुम परेशान मत हो। इन्होंने मुझे 14 दिन के लिए जेल भेज रहे हैं, मंडोली जेल है कोई, तो तुम बस मुझसे कल वहाँ मिलने आ जाना। मैंने कहा आप ठीक हो? कह रहे मैं एकदम ठीक हूँ, तू घबरा मत, बस तू कल मिलने आ जाइयो सुबह मुझसे। बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मुझे। और मैंने कहा आपने कुछ खाया? तो बोलते कि हाँ, यहाँ जज साहब ने बिस्किट मंगा के दिए हैं, बस तू सुबह मिलने आ जा। बस ये 2-3 अल्फाज उन्होंने बोले कि सुबह मिलने आ जाइए बस ज़रूर। वो जो सीन था, मतलब वो आज तक मेरी आंखों के सामने से नहीं जाता, जब मैंने खालिद को व्हील चेयर पर आते हुए देखा था अपने सामने। मैंने अपनी बेटी का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ा था उस टाइम पर, मैं बिल्कुल सुन हो गई थी उनको, मैं नहीं ना उनसे कुछ बोल पाई, मेरे पापा ने और उनके भाई ने बात करी थी बस। जो मैंने देखा था बस वो बहुत खौफनाक था उस टाइम पे। खालिद के हाथों पे निशान हो रहे थे ऐसे, वो डंडों के शायद थे या बेल्ट के थे, नहीं पता, बहुत चौड़े चौड़े, इतनी इतनी सी टी शर्ट पहनी हुई थी हाफ बाजू की, तो वो पूरा निशान दिख रहे थे उनके। उनके यहाँ पर नोचने के निशान थे सारे, गालों पे, यहाँ माथे पे इस तरीके से नोचने के निशान थे, यहाँ मतलब नाखून बने हुए थे इस तरीके से खींचे हुए, यहाँ आगे के बाल यहाँ के नहीं थे, दाढ़ी का पूरा आगे बाल नहीं थे, पूरे बाल ऐसे मतलब उखाड़ी भी थी, ये पूरे बाल आगे के नहीं थे उनके। दोनों पैरों में घुटनों तक प्लास्टर था, हाथ की उंगली फ्रैक्चर थी, हाथ में प्लास्टर था, खालिद व्हील चेयर पे थे। मतलब जो इंसान खुद अपने पैरों पे चलकर थाने गया था, उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो अगले दिन सुबह जो मुझसे मिलते हैं तो वो व्हील चेयर पे थे। 14 दिन रिमांड में रखा उनको स्पेशल सेल में। स्पेशल सेल जाना ही मतलब एक इंडिया की टॉप एजेंसी है, डर लगता है वहाँ जाते में। सुना था मैंने उसके बारे में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है, या बहुत ज़्यादा, पर ये नहीं पता था कि इनको क्यों रखा हुआ है और क्या चार्ज है, क्यों मतलब स्पेशल सेल तक भी हमें कुछ नहीं पता था कि क्यों इनको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं पता चला। पर उसके बाद एक और केस लगाया, 14 डेज के बाद में एक और केस लगाया क्राइम ब्रांच ने, 101 का। 101 का केस लगाने के बाद में जब इन लोगों ने मीडिया ट्रायल करा खालिद का, तब हमें ये बात पता चली कि इनके ऊपर किस तरीके के आरोप हैं। मुझे ये वाली बात पता चली कि उनको आतंकवादी बोला जा रहा था मीडिया में, न्यूज़ में और हर न्यूज़ चैनल पे, उनको टेररिस्ट बोला जा रहा था, उनको देशद्रोही बोला जा रहा था, अलग अलग तरीके के नाम बताए जा रहे थे उनके। तो वो सुनकर जो हमारे सभी लोगों की जो हिम्मत थी वो इतनी बुरी तरह से टूटी थी। केस का स्टेटस ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में सारी सुनवाई हो चुकी है, ऑर्डर रिजर्व है। उम्मीद करते हैं और आप सबकी दुआएं भी चाहिए कि बस अब अल्लाह बेल करवा दे उनकी। कोर्ट में और कोर्ट के बाहर भी पुलिस की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल उठते रहे हैं। पीड़ित और उनके परिजन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा जैसे लोगों को पुलिस ने पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया, जबकि मिश्रा ने खुलेआम नफरती भाषण दिए थे। कपिल मिश्रा ने इतने वर्ड्स बोले, उन्हीं की वजह से दंगा भड़का था ना, कहाँ है उसका जस्टिस?
सरकार और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए जाते हैं और जमीनी हकीकत यही है कि बिना अपराध साबित हुए लोग इतने लंबे समय से जेलों में बंद हैं।